हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है रूपाबंदी चैनल में। तो आज हम देखिए मैगी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मुझे मैगी बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने सब्जी में मैंने देखिए क्या के लिए यहाँ पर मटर को कुछ छोड़ा लिए और ये छोटे टमाटर काटे, एक छोटा गाजर दिए और ये यहाँ पर प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ता और यहाँ पर चार ठो मैंने मैगी मसाला लिया। आना तो बहुत ज़्यादा आसान है और आज हम और उससे भी आसान तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। ये बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए दे दिया और इसमें थोड़ा सा नमक दे देते हैं। उसके बाद मैगी के जो खोल के रखे थे वो एक एक करके इसमें दे देंगे। आप दूसरी साइड कढ़ाई बैठा दिया मैंने। अब इसमें दे देते हैं सरसों का तेल। सरसों तेल दे दिया और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा मिर्चाई और जीरा तेल दे दिया। अब दे देते हैं काटे हुए प्याज को। प्याज हमारा हल्का लाल हो चुका है। अब इसमें सारे सब्जियों को जो रखे थे, धनिया पत्ता बाद में देंगे, बाकी सारे सब्जी में इसमें एक दे देते। सब्जियों को कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो सब्जी को हम एक मिनट के लिए भून लिया, सब्जी हमारा नरम हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले में देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक भी थोड़ा सा मैंने लिया, क्योंकि नमक में थोड़ा पानी में दिए थे तो सब्जी दिए इसके वजह से थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें दे देते हैं। अच्छी तरह से चला लेंगे। और इधर देखिए मैगी भी हमारा हो चुका है। अब इसे हम चलनी में छान लेते हैं। तो देखिए मैंने मैगी को चलनी में छान ली है और कितना खिला खिला देखिए मैगी हमारा हुआ। तो इधर मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम मैगी को दे देते हैं। पानी बिल्कुल झर चुका है। और एक मिनट के लिए और लास्ट में जो मैगी मसाला हम खोल के रखे थे ये सारा ही इसमें ऐड कर देते। यहाँ पर ऐड कर देते हैं धनिया के पत्ते। तो देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन में निकाल दिए मैगी को और ये बन गया, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मैगी। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए।